हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज फॉर सिविल थर्ड ईयर। इसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम आपके लिए UPBT के संभावित प्रश्न की श्रृंखला में कुछ मॉक्स क्वेश्चंस लेकर आए थे जो 120 से अबव हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम आपका पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड जितने भी मॉक्स बन सकते थे या आ सकते थे, हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, फॉर एस्टिमेशिंग द पीक रन ऑफ द रेशनल फार्मूला। एस्टिमेटिंग करने के लिए, क्या पीक रन ऑफ निकालने के लिए एक रेशनल फार्मूला होता है, वो होता है Q=0.0278 kPa। ठीक, तो इसको जो होता है ये एवॉल्व बाई, ये किसने जो है वो किया था, एवोल्यूटेड किया था, तो किंचलिंग, लियोर डेविस एंड फ्रॉबलिंग्स, आल द अबव। तो इसका राइट ऑफ आंसर है आल द अबव। ठीक, फिर है आपका रेन सैनिटरी सीवर को ले जाने के लिए बनाया गया है। ये बात कर रहे हैं रेन सैनिटरी सीवर को ले जाने के लिए बनाया गया है, मतलब जो रेन वाटर होता है या जो इस तरह के वाटर्स होते हैं उनको ले जाने के लिए कौन सा सीवर बनाया गया है, तो उसको क्या कहते हैं, तूफान सीवेज, नो, सरफेस वाटर, नो, भूजल, नहीं, भूजल को ले जाने के लिए सीवर को ले बनाने की क्या ज़रूरत है, तो इसका है स्वच्छता सीवेज। क्यों? क्योंकि जो रेन वाटर होता है वो और अपशिष्ट की तुलना में स्वच्छ होता है, इसमें हमें बेसिक से ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, तो जो रेन सैनिटरी सीवर होता है वो स्वच्छता सीवेज को ले जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। तो ये चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन फिर उसको कहते हैं हम क्या, स्वच्छता सीवेज को ले जाने के लिए रेन सैनिटरी सीवर आपका बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉप मेन होल आमतौर पर सीवर में प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए ये पूछा गया है कि जो सीवर के में जो ड्रेप मेन होल होते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि मेन होल क्या होता है और ये क्यों यूज़ होता है। तो देखिए मेन होल क्या होता है, सीवर की सफाई करने के लिए जगह जगह क्या होता है कि जगह जगह क्या करते हैं हम, जैसे ये सीवर लाइन जा रही है तो यहाँ पे क्या करते हैं, होल बनाते हैं, जो सीवर वगैरह की सफाई के लिए होता है। तो क्या होते हैं ये सीवर में जो प्रदान किए जाते हैं सीवर की सफाई वगैरह करने के लिए। ठीक, तो ये कुछ ही दूरी पे दिए जाते हैं तो उसको कहते हैं मेन होल। तो इसी के टाइप एक ड्रॉप मेन होल, तो देखिए ये कहाँ पर यूज़ होता है, किस टाइप के एरिया में, तो औद्योगिक क्षेत्र में ये यूज़ नहीं किया जाता, बड़े शहरों में भी ये उपयुक्त नहीं रहता, पहाड़ी शहरों के लिए भी ये उपयुक्त नहीं है, ये यूज़ होता है मैदानी इलाकों के जो शहर होते हैं उनमें जो होते हैं वो ड्रॉप मेन होल्स दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट आपका डिज़ाइन उद्देश्यों के लिए सीवर में भूजल की घुसने की सामान्य दर है। जो डिज़ाइन पीरियड्स रहते हैं, डिज़ाइन पर्पस रहते हैं, उनके लिए सीवर में जो भूजल घुसने की सामान्य दर होती है वो क्या होती है, 2000 लीटर पर किलोमीटर। कितना, 2000 लीटर पर किलोमीटर। तो 500 लीटर पर किलोमीटर, 1000 लीटर पर किलोमीटर और 1500 लीटर पर किलोमीटर क्या होता है, ये क्या होता है, नहीं होता है, ये रॉन्ग है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2000 लीटर पर किलोमीटर। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप्टिक टैंक में सीवेज उपचार किसके कारण होता है। तो जो सेप्टिक टैंक होता है उसमें सीवेज का आपका उपचार होता है ना, ट्रीटमेंट होता है, तो वो किसके वजह से होता है, एरोबिक डिकम्पोजिशन इज रॉन्ग, पेरेस्टिक डिकम्पोजिशन ये भी गलत है, नन ऑफ दीज, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर है एनएरोबिक डिकम्पोजिशंस जो होते हैं उनकी वजह से सेप्टिक टैंक में सीवेज का उपचार होता है। तो इसका राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए। फिर है आपका सेप्टिक टैंक से पचा हुआ कीचड़ अधिकतम किस काल के बाद हटा दिया जाता है। इसमें पूछा है क्वेश्चन कि जो सेप्टिक टैंक में होता है जो कीचड़ वगैरह रहता है उसमें या जो भी वेस्ट रहता है वो अधिकतम किस अवधि के बाद वहाँ से हटा दिया जाता है। ठीक, तो वो अवधि क्या होती है आपकी, वो अवधि होती है आपकी, तो इसका राइट आंसर है आपका 5 ईयर।
मतलब सेप्टिक टैंक जो बना हुआ होता है उसमें जो नॉर्मली जो वेस्ट होता है उसको 5 साल के बाद खाली कर देना चाहिए, या 5 साल में, पर 5 ईयर में उसकी सफाई जो है होनी चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, 5 ईयर। एक आंकड़ा आया था अभी सेप्टिक टैंक से रिलेटेड ही, तो उसने बताया था कि पूरे यूपी में जो सेप्टिक टैंक है वो करीब 72 लाख हैं। तो ये सोच सकते हैं कि जो सीवर्स की प्रॉब्लम है वो चाहे बेशक वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में है, तो सेप्टिक टैंक आज भी बड़ी उस जो है उसमें यूज़ किए जा रहे हैं बड़ी मात्रा में। तो इनका रख रखाव वगैरह ये चीज़ें बहुत पता होनी चाहिए और इनसे रिलेटेड नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर है आपका, संयुक्त सीवर में शुष्क जल प्रवाह है। संयुक्त कंबाइंड सीवर की बात कर रहे हैं ये। तो देखिए संयुक्त सीवर में शुष्क जल प्रवाह क्या होता है, वो होता है आपका तूफान का पानी। अच्छी औद्योगिक सीवेज नहीं, घरेलू सीवेज नहीं, ये संयुक्त सीवेज में कहा जाता है। ये तो मेन सीवर्स वगैरह में जो जाता है, गली सीवर्स वगैरह जो होते हैं, तो तूफान का पानी के लिए जो बनाया जाता है वो होता है आपका संयुक्त सीवर। फिर है आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। फिर है, पूर्णतया ऑक्सीकृत कार्बनिक पदार्थों वाले मलजल में नाइट्रोजन किसके रूप में होती है। ये इनका कहने का मतलब है कि जो पूर्णतया ऑक्सीकृत कार्बनिक जो मटेरियल्स हैं उनमें जो मलजल है तो उसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहती है, तो वो नाइट्राइट्स के फॉर्म में नहीं रहती। ऑप्शन बी है नाइट्रेट, इट्स राइट। नाइट्रेट्स की फॉर्म में जो है नाइट्रोजन रहती है मलजल में, मुक्त अमोनिया के रूप में नहीं रहती, और एल्यूमिनाइड नाइट्रोजन, ये सारे क्या हैं, नाइट्रोजन के ही क्या है रूप हैं सारे, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, मुक्त अमोनिया एंड एल्यूमिनाइड नाइट्रोजन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, नाइट्रेट्स। पूर्णतः ऑक्सीकृत कार्बनिक पदार्थ वाले मलजल में नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीवरेज प्रणाली में शामिल है। सीवरेज प्रणाली पहले तो क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे सीवर, सीवेज एंड सीवरेज, ये तीनों वर्ड मिलते जुलते हैं लेकिन तीनों अपने अपने जगह इनका एक अलग अलग मतलब है। सीवेज जो होता है घरों से निकलने वाला वेस्ट वाटर, इसमें स्पेशली क्या होता है, उसमें जो वॉशरूम से निकलता है वो आपका वेस्ट जो होता है वो आपका नॉर्मली सीवेज कहलाता है। ठीक, सीवर क्या कहलाता है, वो पाइप जो सीवेज को ले जाने के लिए बनाए जाते हैं, जो उनको डिस्पोजल करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर। सीवरेज क्या होती है, सीवर डालने की जो सिस्टम होता है, ठीक, उसको पूरे को कहते हैं सीवरेज सिस्टम। तो देखिए तीनों का अपना अलग अलग मतलब निकल गया। सीवरेज प्रणाली में शामिल होता है क्या, हाउस सीवर, यस ऑब्वियसली, पार्श्व सीवर ये भी शामिल होता है, ब्रांच सीवर ये भी इंक्लूड होता है। तो इसका राइट आंसर है ये सभी, मतलब सीवरेज प्रणाली में जितने भी टाइप के सीवर यूज़ होंगे, चाहे वो गली सीवर हो, चाहे वो मेन सीवर हो, ब्रांच सीवर हो, किसी भी फॉर्म में लगे हुए, वो पूरी आपकी क्या कहलाती है, सीवरेज सिस्टम या सीवरेज प्रणाली। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी। फिर है, सीवरों का बंद होना किसके कारण होता है। कई बार क्या होता है, आपको देखा होगा कि सीवर जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और जो वेस्ट होता है वो सड़कों पर बहने लगता है, तो ये किसके कारण होता है, देखिए सिल्टिंग प्रॉब्लम हो जाती है जब उसमें, यस ऑब्वियसली। तो क्या होना चाहिए, इतनी वेलोसिटी जो होना चाहिए उसमें इतना होना चाहिए कि ना तो वो फ्लो बहुत ज़्यादा हो कि जो है साइड उसकी जो है इरोजन होने लगे उसमें, और ना ही वो वेलोसिटी इतना कम हो कि जो पार्टिकल्स है वो उसमें बैठने लगे। ठीक, तो सिल्टिंग प्रॉब्लम रोकने के लिए वेलोसिटी को जो है ध्यान में रखते हैं। फिर है लो डिस्चार्ज, अगर डिस्चार्ज कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होगी। ये वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, डिस्चार्ज पर करती है। अब हम इस पर स्पेशली पंप तो लगा नहीं रहे। फिर है ग्रीस एंड ऑयली मैटर, यस ग्रीस एंड ऑयली मैटर क्या होते हैं, ये जम जाते हैं बुरी तरह और क्या करते हैं, पानी को या और चीज़ों को बहने से रोकते हैं। तो इसका जो सीवर इसका बंद होने का कारण है वो ये तीनों है, सिल्टिंग भी, लो डिस्चार्ज भी एंड ग्रीसी एंड ऑयली मैटर। ग्रीसी एंड ऑयली मैटर तो सेप्टिक टैंक खराब होने का भी सबसे बड़ा कारण है। तो इसका राइट आंसर है ऑल द अबव, ये सारे रीजंस हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के नेक्स्ट मॉक्स। थैंक यू क्लास।